हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू करियर हबेटो। दिस इज अविनाश चंद्रा और हम लोग आज करने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सभी लोग उपस्थित हो जाएं। अमित वाईटी, हाय सर। अमित वाईटी, गुड आफ्टरनून सर। ब्यूटी कुमारी, राम राम सर जी, राम राम। अंजलि पांडे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग बता दो कि क्या आवाज आ रही है, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो मुझे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। सर स्टार्ट क्विज फास्ट। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर्स का सेशन है। क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? कैन इन्फॉर्म मी। यस सर, आ रही है। ओके चलो बढ़िया है। यस सर 100%। ओके स्टार्ट किया जाए आज का सेशन जो है। आज चूंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग करंट अफेयर्स करने आ रहे हैं, क्योंकि बीच का जो था वो मंडे ट्यूसडे मेरी क्लास रहती है बाहर की, तो इसलिए मैं आप लोगों का नहीं ले पाया था। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। करियर हबेटो में आपका स्वागत है। मत बैठ आसियों में, परों को समेट कर हौसला खोली फिजाओं में उड़ान का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो एवरीडे 3 बजे से क्लासेस चलते हैं आपके करंट अफेयर्स मंडे ट्यूसडे को छोड़कर, और साथ ही 6 बजे से आप लोग का लूसेंट कवर कराया जा रहा है। जीएस कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, जीएस कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग से। तो सारे बच्चे यहाँ 6 बजे वाले लूसेंट में जुड़ सकते हैं। जीएस को ठीक करने के पर्पज से आप एक बार क्लास करके देखना आपको कितनी अच्छी वो क्लासेस लगेगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में ये मदद करेगा लूसेंट जीएस। एंड 9 बजे जो 9:05 में बेसिकली शुरू होता है, तो 9 बजे जो आपके होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, विभिन्न प्रकार के जितने भी परतों की परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए ये आपके लिए काम करने वाला है। जीके, जीएस, जीए, एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने अगले के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग को 3 फैसिलिटीज कोरोना काल में मिला है, वो भी बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेबल नहीं है। बस आपको करियर हब एडू सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे करियर हब एडू के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो सबसे पहला स्कीम जो आप देख पा रहे हो ये है आपका करेंट अफेयर्स। क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है, आजकल के डेट में जो भी परतों की परीक्षाएं ली जा रही है, जो भी एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें करेंट को बेस मान के लिया जाता है। अगर पॉलिटी का भी प्रश्न पूछा जाता है तो करेंट को बेस मानकर, है ना। जैसे मान लो पॉलिटी का क्वेश्चन उसको पूछना है आर्टिकल 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से, तो अभी क्यों पूछेगा, क्योंकि 370 को ब्रेक किया है। तो CAA क्या है, ये सब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे जो पॉलिटी के हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स को जोड़ के पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा जा रहा है, ज्योग्राफी को भी जोड़ा जा रहा है, है ना, साइंस एंड टेक को भी जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए मैंने एक नया चीज निकाला है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर्स 3 बजे से। वो डेली पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग को बताते चलूंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। अर्थात जो कैंडिडेट मेंस के प्रिपरेशन के लिए है उनके लिए भी बेनिफिट करेगा और जो पीटी के लिए है उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ये आपको कॉन्सेप्ट किसका, तो जीएस का कॉन्सेप्ट एवरीडे आपको 6 बजे से मिलेगा लूसेंट में। ठीक है, और जो आपका एमसीक्यूज है वो आपको 9 बजे रात में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम के होंगे अप टू यूपीएससी। और ये एमसीक्यूज का आपके पास क्या है, तो प्रोग्राम है जिसके तहत आप पढ़कर आप अपने एमसीक्यूज को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जैसा कि आज है वेडनेसडे, आज है बुधवार का दिन, और आज बुधवार को आप लोग को क्या करना है, तो इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यूज होंगे, है ना, इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यूज होगा और साथ ही जो करंट अफेयर्स है उसका एमसीक्यूज होगा। तो ये दोनों से एमसीक्यूज होंगे कितने बजे, तो 9 बजे रात में, है ना, 9:05 में ये एमसीक्यूज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का इश्यू हो तो आप हमारे इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप पे आप कॉल ये कर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना हो तो आप अपना नाम
और कहां से आप बिलोंग करते हो वो लिखकर व्हाट्सएप पे करना, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए होगा, किसी भी क्लासेस को लेकर पीडीएफ चाहिए होगा, तो बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और कैरियर हब एडू सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो आप वहां पर आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों लाइक कर देना जल्दी से सभी लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों गोल्डन चांस टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम विद कैरियर हब एडू बाय अविनाश चंद्रा। वर्क हार्ड, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा स्वागत करता हूं अपने इस करियर हब एडू यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स का ना केवल जनरल कंपटीशन में अपितु बीपीएससी जैसे एग्जाम और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी बहुत बोलबाला है, इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है शीर्षक ब्रह्मास्त्र, यानी ब्रह्मास्त्र के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, और वो छोटा छोटा बदलाव हम लोग लेकर आए हैं ताकि हम लोग अपने जीवन शैली को चेंज कर पाए और इस कोरोना काल में सुरक्षित रहते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए अपने पार्टिसिपेशन को अच्छे से बनाकर रखें। तो ठीक है दोस्तों, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका, और इसके बाद फिर क्लास आप लोगों की होगी 6 बजे से, और वो 6 बजे का धुआंधार आप लोग का लूसेंट कंसेप्ट चलेगा। तो 6 बजे आना ना भूले, 6 बजे से आप लोग का लूसेंट का कंसेप्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है, तो वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है टुडेज टॉपिक। और चूंकि ये महीना चल रहा है मई का, तो मई का ही अभी बनेगा पूरा, मई का इसमें आपका हर दिन का टॉपिक आते रहेगा, और वन लाइनर आज मैं बताऊंगा, सब्जेक्टिव आज मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो वन लाइनर में चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और मेरे साथ आप कॉमेंट बॉक्स में उस डेट को, उस आंसर को लिखते चलना मेरे दोस्तों, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन होता चला जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास पहला स्लाइड में कि विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस है ना, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, तो 17 मई। कौन सा, तो 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। याद रखना, जो नए नए दिवस आ रहे हैं, नए नए दिन, जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू निरोधी दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न बहुत सारा पूछे जाते थे। लेकिन आज के डेट में मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। मतलब करेंट को ट्रेडिशनल जीएस से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आप लोगों को भी तैयारी उसी तरह से करनी है, उसी पर्पस से, उसी ढंग से करनी है, ताकि आप रिजल्ट निकाल पाओ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं एवरीडे करेंट को अपने रूटीन में सम्मिलित किया है कि आप लोगों का करेंट भी पीछे ना रह पाए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को ये देखा है कि करेंट में वो पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीपीएससी जैसे एग्जाम में जहां पर 15 से लेकर 25 सवाल तक पूरे करेंट के आते हैं, और वो बेचारे छोड़कर आते हैं, जहां पर उसकी रिजल्ट गड़बड़ हो जाती है। इसी पर्पस से मैंने पूरा फुल बैलेंस जीएस को बनाकर रखा है, जहां पर आपको मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून में 3 बजे से करंट अफेयर्स है, 6 बजे से लूसेंट है, और 9 बजे से पूरा एमसीक्यूज है मिला जुला कर। ठीक है, तो विश्व दूर संचार और सामाजिक सूचना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है, 17 मई। तो एक बार मैं ले लूं सभी लोगों का कमेंट है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं क्लास। तो रेखा कुमारी है, अमित जी है, ब्यूटी है, अंजलि है, सिंपी है, रेखा है, ठीक है, अंजलि, ब्यूटी, ठीक है, सिंपी, अमित, नेहा है, अभिषेक है, ठीक है, स्टडी विद चंदन है, अविनाश कुमार मातो है, ठीक है, सिंपी, उमा शंकर, नेहा राजपूत, वेरी गुड, सभी लोग जुड़ गए हैं दोस्तों, और सभी लोग शेयर कर दो और लाइक करते चलो, लाइक करते चलो, मेरा हौसला बढ़ाते चलो, ताकि मैं हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं। बहुत जल्दी आपको, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से बहुत जबरदस्त करंट आप लोगों को मिलने वाला है, उसकी तैयारी में कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, एक बार करंट अफेयर देख लोगे, पिक्चर के साथ सब चीज समझ में आ जाएगा। बहुत जल्द मैं वो सारा चीज लेकर आ रहा हूं आपके साथ, थोड़ा वक्त चाहिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाए, 17 मई को। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी धारा 144
तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। तीन महीने के लिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो होता है उसकी धारा 144 बोलते हैं ना, धारा 144 लगा दिए हैं, सब लोग बच्चे बच्चे परिचित हैं, तो धारा 144 जो है तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। वो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़, है ना। 144 तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है छत्तीसगढ़। हालांकि ये सब प्रश्न इसका निचोर होगा कब? जब कोरोना की समाप्ति होगी तब, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं, याद रखना 73, दो दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखना दोस्तों, WHO की 73 द्विवार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा क्या याद रखना? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर में किया गया? तो जिनेवा जैसे शहर में। किस शहर में? जिनेवा जैसे शहर में। और मैं सबका टेस्ट लूंगा संडे को, याद रखना, इस बार से संडे को टेस्ट होगा। और लूसेंट में जितना भी पढ़ाया है सबको आप लोग रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, है ना, ताकि वो संडे को आप लोग टेस्ट दे पाओ। वो टेस्ट का पैटर्न क्या होगा मैं जल्द ही अनाउंस कर दूंगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। भाई डेंगू समझते हो ना, मलेरिया डेंगू, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो मलेरिया दिवस को पूछा जाता था, लेकिन अब पूछने नहीं लगेगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार COVID-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो लिख लो भैया, टप्पा मार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत सरकार COVID-19 के कारण यानी कोरोना जो है उसके कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है उसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक विद्या, है ना, प्रधानमंत्री ई विद्या। भारत सरकार COVID-19 के कारण प्रभावित हो रहे जो भी शैक्षिक वर्ष है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट को क्लियर करना, सिर्फ पढ़ोगे बिना तो पूरा याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना तो आप आराम से आंसर मार सकते हो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखा जाए, अगला पॉइंट है आपके सामने स्क्रीन पर, जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सलेटर लॉन्च किया है, याद रखना, है ना, साइबर स्पेस एक्सलेटर लॉन्च किया है, वो राज्य कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए साइबर स्पेस एक्सलेटर लॉन्च किया है, ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। भाई आजकल तो सबका रक्तचाप उच्च ही रह रहा है, कोरोना के कारण कुछ लोगों का निम्न भी हो जा रहा है जैसे मेरा तो जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है? तो 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, है ना, जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है वो 17 मई को ही मनाया जा रहा है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की रही है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बस चलेगा, किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए। तो जो भी राज्य सरकार है जिसने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा, यहां पर कोड याद रखना, निशुल्क बस सेवा, तो वो कौन स्टार्ट कर रहा है? राजस्थान, सैनिकों के लिए, याद रखना। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि राजस्थान में अभी वर्तमान समय में प्रारंभ किए गए निःशुल्क बस सेवा, है ना, निःशुल्क बस सेवा जिसके लिए, किसके लिए किया गया है? लिखेगा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मैक्सिमम बच्चे यही क्वेश्चन मारेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना मेरे दोस्त। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जैसे क्या पूछेगा, देखो कि अभी वर्तमान में या हाल ही में राजस्थान में एक शुरू किया गया है सेवा जिसका नाम है निशुल्क बस सेवा, शुरू किया गया है ना निशुल्क बस सेवा, ये किसके लिए शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन देगा कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सभी को स्कूल भेजने के लिए। दूसरा होगा ग्रामीण इलाके के बच्चों को पढ़ाई में डेवलप करने के लिए स्कूल भेजने के लिए। तीसरा होगा वृद्धा वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और चौथा ऑप्शन होगा सैनिकों के लिए। तो देखो उस समय में, अभी चूंकि आप जान रहे हो सैनिक इसलिए आंसर मार रहे हो, लेकिन अगर आप सैनिक नहीं जान रहे होते तो आप निश्चित रूप से वो बच्चे वाला आंसर मारते कि वो बच्चा जो स्कूल जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखना, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? 5। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है, सभी लोग जान रहे होंगे, दंगा फसाद जारी है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच, जो गर्मा गर्मी बहस चल रही है, पूरे विश्व को इस बात में चर्चा है। तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना, है ना, यहां से दो कंट्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहां पर क्वेश्चन बना है कि बेंजामिन नेतन्याहू
नेतन्याहू जितनी बार मतलब कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने, अब यही है इसके इजराइल के प्रधानमंत्री, ये पांचवी बार बने, कितनी बार, पांचवी बार, है ना, बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने पांचवी बार। अगला प्रश्न है, कोरोना में उस स्कूल बस नहीं चलेगी सर, फ्री बस सर्विस फ्री सोल्जर लॉन्चेज बाय राजस्थान, ठीक है बहुत अच्छा, ओके चलो हमास, ठीक है वेरी गुड। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की, सुपर अर्थ, अब दिमाग में आएगा सुपर अर्थ क्या है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूं, सब्जेक्टिव वाले में एक एक चीज को खोल के लाऊंगा मैं, है ना, फिलहाल वन लाइनर है जहां हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं। सुपर अर्थ जो है की खोज कौन किया, न्यूजीलैंड, हाल ही में देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की न्यूजीलैंड, ये दूसरा स्लाइड था दोस्तों। चलते हैं झटपट झटपट अगला स्लाइड की ओर, और वो अगला स्लाइड है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु जिस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दिया गया वो कौन है, DRDO, याद रखना, और कोरोना बहुत ही सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है ना, कल ही न्यूज में पूरा एकदम छाया हुआ था, प्रभात कुमार की मृत्यु हो गई हैदराबाद में। एनीवे, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु जिस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है वो है DRDO। अगला पॉइंट है, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का, राज्यसभा सांसद था जिसका नाम था राजीव सातव, 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया, वह जिस राजनीतिक दल के सदस्य थे वो राजनीतिक दल का नाम क्या है, कांग्रेस, कांग्रेस के राजीव सातव जो थे उनकी कोरोना से निधन हो गई, जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद ली जाएगी, कहा जाता था 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद, तो ये नया निर्देश जारी हुआ है कि जो कोविशील्ड है, जो अभी 18 प्लस सब लोग ले रहे हैं कोविशील्ड, सब लोग ले लेना भाई, है ना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है ये वैक्सीन, तो कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक, पहला खुराक लेने के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग को दूसरी खुराक लेनी पड़ती है, उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ने लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर जाता है, जिससे बाहरी रोग होने के चांस कम हो जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद, तो 84 डेज, याद रखना 84 डेज के बाद लेने की बात कही गई है, नए निर्देश जो आए हैं उस ऑर्डर में 84 डेज के बारे में चर्चा हुई है। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को जितने लाख रुपया देने की घोषणा की है वो है 10 लाख रुपया, कौन, 10 लाख, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपये का जो प्रायोजन देने का किया है वो कौन सी सरकार ने की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, तो 10 लाख रुपये किसको, अनाथ बच्चों के लिए, है ना, कौन सी सरकार, तो आंध्र प्रदेश सरकार, एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, कोरोना की वजह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपये देने की बात कही है। अगला स्लॉट में हम लोग चलते हैं, फोर्थ नंबर स्लॉट है ये हमारा, और ये फोर्थ स्लॉट में हम लोग क्या देख रहे हैं, विश्व उत्तर रक्तचाप दिवस जिस दिन मनाया जाता है 17 मई, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA, है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित जिस डॉक्टर को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया उसके नाम क्या है, KK अग्रवाल। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति है एक डॉक्टर, जिस डॉक्टर का कोरोना के कारण क्या हो गया, निधन हो गया, उसका नाम है KK अग्रवाल। क्या नाम है, KK अग्रवाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, 16 मई, याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है ना। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई। अगला पॉइंट है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच, बहुत फेमस है, देखो राफेल नडाल हो गया है ना, इसके बाद नोवाक जोकोविच हो गया है ना, ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट खिलाड़ी सब है जिसका नाम हमेशा छाया रहता है, तो वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच का कहां का था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो, सभी बच्चे देखते हैं कौन बता पाते हैं, जल्दी से बताओ कि नोवाक जोकोविच कहां के हैं, जल्दी से।
वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है उसका नाम क्या है? राफेल नडाल। तो आप लोग बताओ राफेल नडाल भी कहां का है, जल्दी से चलो फटाफट फटाफट बताओ आप लोग। पहला प्रश्न मैंने पूछा कि नोवाक जोकोविच किसके तरफ से खेलते हैं और राफेल नडाल किसके तरफ से खेलते हैं, दो प्रश्न है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो बिना विलंब किए। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है उसका नाम है राफेल नडाल। मतलब राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया और कैमी बार 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, तो वो खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। तो आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच कहां का और राफेल नडाल कहां का। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड, बिल्कुल गलत है उमा शंकर, कितना बार मैंने बताया भाई, सब लोग गलत करते हो, बिल्कुल गलत है। नोवाक जोकोविच फ्रांस, भी गलत है। स्विट्जरलैंड भी गलत है। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड गलत है, क्या बात है, इतने सारे बच्चे में इतना कमजोर है करेंट। हाँ यस, नेहा राजपूत अभी सही है। राफेल नडाल याद रखना मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल जो है ये राफेल नडाल कहाँ का है, स्पेन का, ठीक है। तो ये टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल, राफेल नडाल है स्पेन का, और ये नोवाक जोकोविच जो है ये है सर्बिया का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या होता है ना कि वो प्लेयर का नाम दे देता है और दूसरा प्लेस का नाम दे देता है, ठीक है। प्लेयर के नाम में आपका जो एक तरफ दे देगा, जैसे यहाँ नोवाक जोकोविच है तो कहां का है वो, तो सर्बिया का है। राफेल नडाल कहां का है, तो स्पेन का है, ठीक है। रोजर फेडरर का नाम याद रखना आप लोग, जो बार बार बोल रहे हैं रोजर फेडरर, एक और व्यक्ति है रोजर फेडरर, ये है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल स्पेन एंड रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, विश्व दूर संचार दिवस। मैं ये बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को, फिर भी आप लोग भूल जाते हो, एकदम याद कर लो, ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, नोवाक जोकोविच सर्बिया एंड राफेल नडाल स्पेन, ये सब याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, जो सर्बिया बोले थे सही है, और लोग भी जवाब दिए ना, कुछ लोग अलग अलग जवाब दिए। तो विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकॉम डे किस दिन मनाया जाता है, 17 मई को, है ना। वर्ल्ड टेलीकॉम डे भी किस दिन मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है, 16 मई को, है ना। देखो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा कि मई में कौन कौन सा दिवस हम लोग मनाए हैं। डेट अगर नहीं याद रहता है तो कम से कम मई में कौन कौन सा मनाया है ये याद रखना जरूरी है वहां, क्योंकि वो अगर मंथ को डेफर करता है तो आप आसानी से आंसर बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की जिस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है। भारतीय मूल की जिस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है नीरा टंडन। क्या नाम है, नीरा टंडन। भारतीय मूल की जिस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया उसका नाम है नीरा टंडन। अगला प्रश्न है, वह देश जिसका जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर, ये देखो मलंग लिखा गया है, इसको मंगल कर देना, है ना, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है उसका नाम है चाइना। चाइना हर चीज में अभी आगे बढ़ रहा है, याद रखना, मार्स, है ना, मार्स। वह देश जिसका जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया उसका नाम क्या है, चाइना, याद रखना, चीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया कौन, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा कहाँ की, मैक्सिको की है, याद रखना, है ना। एंड्रिया मेजा जो है वो कहाँ की है, मैक्सिको की है, याद रखना, ये बीबीआई क्वेश्चन है। अभी हर एक एग्जाम जो जैसे लॉकडाउन के बाद एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन की भरमार लग जाएगी और उसमें ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। जिसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया उसका नाम है एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की है, एंड्रिया मेजा, याद रखना। मेजा ने मिस यूनिवर्स जीता, मेजा ने मेजा, मजा बोलते हैं ना, मजा पीते हो या मजा करते हो, तो मजा में मिस यूनिवर्स जीत गई 2020 की, एंड्रिया मेजा। कहां की, तो मौसे मेजा, मौसे मैक्सिको, है ना, याद रखना, मौसे मेजा और मौसे मैक्सिको। ये छोटा छोटा शब्द ना आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और एग्जाम के फासले को कम करने का प्रयास करेगा, है ना, ताकि आप रिजल्ट अच्छे से अच्छे कर पाओ, ठीक है। 2020 का मिस यूनिवर्स एंड्रे मेजा, मेजा मेजा मेजा, मजा आ गया यार,
मैक्सिको मिस यूनिवर्स, है ना, ऐसे याद करोगे एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। बस इतना ही था, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके हम लोग एवरीडे पढ़ेंगे दोस्तों, तो करंट अफेयर्स पे उम्मीद था हम लोगों का जो बैलेंस है ना वो बैलेंस बन जाएगा। मात्र चार दिन हमने क्लास किया था, आज पांचवां सीरीज है और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग हद तक लग रहा होगा करंट अफेयर्स में भी, है ना। कुछ कुछ प्रश्न लग रहे होंगे कि यस ये तो जान रहे, यस ये तो जान रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और ये लगातार जब चल जाएगा एक महीना तक भी ना, तो करंट अफेयर्स लगभग लगभग आपका पकड़ में रिपीट करने लगेगा वही चीज, है ना। जैसे मिस यूनिवर्स 2020 हो सकता है 10 दिन के बाद फिर के क्वेश्चन बनेगा मिस यूनिवर्स 2020 का, तब दिमाग में अच्छा एंड्रिया मेजा थी, ओहो दिमाग में चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करके हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को भी एक साथ लेकर चलेंगे ताकि हम लोगों का कोई भी सेक्शन छूट नहीं पाए। तो दोस्तों इतना ही काफी था आप लोगों के लिए, अब हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अब ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने नेट को बचा के रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 3 बजे से हम लोग का जो सेशन चलता है वो है करेंट अफेयर्स, जो करेंट अफेयर्स की अभी क्लासेस समाप्त हो रही है। इसके बाद जो आप लोग का सेशन है ना, आना मत भूलना, 6 बजे से आप लोग का चलेगा लूसेंट, है ना, लूसेंट जीएस कॉन्सेप्ट। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा और उसके बाद पुनः 9:05 में, 9:05 में ये भी पीएम है और ये भी पीएम है, 9:05 में आपका चलेगा MCQs, है ना, जहां पर आपके विभिन्न प्रकार के, चाहे UPSC हो, BPSC हो, JPSC हो, दरोगा का हो, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए यहां पर क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। ठीक है, जो MCQs होंगे, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और आपको आंसर देना होगा, और वो चारों के लिए आपको यहाँ पर मैंने आज बता दिया कि आज कौन से सेक्शन का आप लोग का टेस्ट होना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, और संडे को तैयारी करना लूसेंट वाला जो भी मैंने पढ़ाया पिछला वीक का, पिछले वीक जितना भी मैंने लिया है, है ना, जितनी भी क्लासेस मैंने पिछले वीक की ली है, चाहे वो 4 क्लास 5 क्लास जो भी हुआ हो, वो सारे लूसेंट का आप लोगों को क्वेश्चन याद करके रखना है, पॉइंट वाइज करके पढ़ के रखना है, वहां से संडे को आप लोगों की टेस्ट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो बच्चे होंगे दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग 8873422235 पे मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हो, आप हमारे PDF से जुड़ सकते हो, PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, है ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो करियर हब एडू, और अगर व्हाट्सएप से जुड़ना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और सभी दोस्तों को ये दे दो ताकि सभी दोस्त इस करंट अफेयर्स का फायदा उठा पाए, लूसेंट का फायदा उठा पाए और MCQs का फायदा उठा पाए, कोई भी चार्जेस नहीं है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अगले क्लास में फिर मिलता हूँ, अगले क्लास हम लोग का होगा 6 बजे से और ये 6 PM में हम लोग लूसेंट के साथ एक नए क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।